उन्होंने अपने समय में बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन किए, बहुत कठिन साधना के उपरांत वे अपने लक्ष्य तक पहुंचे और युगांतकारी परिवर्तन किए। उन्होंने जो दिशा दर्शन किया वह कितना नया और प्राणवान था। भगवान महावीर का विचार दर्शन बहुत व्यापक और गहरा था। प्राणी मात्र का कल्याण उनके सम्मुख था, इसलिए उन्होंने गलत विचारों पर प्रहार करने पड़े और परिवर्तन करने महावीर का परिवर्तन सत्ता और बल पर आधारित नहीं था। उनके परिवर्तन का माध्यम था हृदय। ये हृदय को ही इस प्रकार परिवर्तन करना का प्रयास करते थे कि मनुष्य की इनकी नीति व्यवहार रहन सहन सब में अंतर आ जाए और वे संवेदनशील व्यक्ति बन जाए। उनके वाणी से धार्मिक सामाजिक और आर्थिक तीनों की तीनों की प्रकार के परिवर्तन संभव हुए। जैसे धार्मिक परिवर्तन में उन्होंने लंबे अरसे से चले आ रहे धर्म भाव से किए गए प्राणी बल के प्रभाव को बदला। महावीर ने कहा, सबके सिंह जीवन सबको प्रिय है, मरना कोई नहीं चाहता। इसलिए यदाचि की भयंकर हिंसा के विरोध का श्रेय भगवान महावीर को ही है। भगवान महावीर ने वर्ण व्यवस्था तथा दास प्रथा का भी विरोध किया और उन्होंने कहा, सब मनुष्य समान है, उन्हें दास नहीं बनाना, उनके विकास को रोकना, उनके भावनाओं और अधिकारों को कुचलना एक सामाजिक अपराध ही नहीं बल्कि मनुष्य जाति का